हाय गाइस, वेलकम टू फिल्म स्ट्रीट। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स और अलग अलग ब्लॉगर्स बात कर रहे हैं डेथ क्रॉस के बारे में। डेथ क्रॉस जिसका मतलब है कि जब आपकी लॉन्ग टर्म जो ईएमए है या मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है। यानी कि मैं इसको आपको अगर आम भाषा में बताऊँ तो ऐसा होता है कि हम लोग हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम लास्ट 50 पॉइंट्स को, यानी कि आप 15 प्राइजेस का एवरेज को पॉइंट पे रखेंगे और उसका एक चार्ट बनाते रहेंगे। इससे आपकी एक लाइन बननी शुरू हो जाएगी। अगर वो 50 डे मूविंग एवरेज है तो उसका मतलब क्या है कि वो लास्ट 50 डेज का एवरेज प्राइस उस मोमेंट पे शो कर रही है, और जैसे ही वो नेक्स्ट डे आएगा वो लास्ट 50 डेज जो हमेशा चेंज होते रहेंगे और उन्हें चेंज करते रहेंगे। उसी तरह से 200 डे मूविंग एवरेज क्या होगी कि लास्ट 200 डेज का जो एवरेज प्राइस है उसे हम प्लॉट करते हुए चले जाएंगे और एक लाइन डायग्राम बनता हुआ चला जाएगा। अब डेथ क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेथ क्रॉस। ये जनरली एक बेयरिश सिग्नल है, यानी कि एक करेक्शन या फिर बियर मार्केट आ सकती है इस पर्टिकुलर डेथ क्रॉस के बाद। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि गोल्डन क्रॉस, जिसका मतलब होता है कि जब 50 डे मूविंग एवरेज या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाए, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाए, उसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, जो जनरली एक बुलिश सिग्नल है जिसके बाद मार्केट्स रैली करती है और प्राइजेस बढ़ते हैं। रिसेंटली बिटकॉइन ने जो है एक डेथ क्रॉस किया, यानी कि उसकी 200 डे मूविंग एवरेज उसकी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई, जिसके चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ड आ गया। और जैसे कि ऑलरेडी चाइना फ़ड चल ही रहा है, आपको पता है, माइनिंग को लेकर के, और ये वाला फ़ड भी आ गया जिसके कारण से प्राइजेस थोड़े से करेक्ट भी हुए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में ये अब एक बियर सिग्नल है, यानी कि बियर जो रन है वो स्टार्ट हो गई है, बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो गई है, अब कुछ सालों तक बिटकॉइन का प्राइस करेक्ट होता चला जाएगा, या फिर ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है और फ्यूचर में जो है प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में हम अपने व्यूज़ देंगे और जिन्हें आप एनालाइज कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन, इसे याद रखिए कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको ये वाली वीडियो एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, और आपको इन वीडियो को यूज़ करके आप अपने डिसीजंस बनाइए और अपने व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ गए हैं कि बाइनेंस और यूएसडीटी का हमने चार्ट खोल लिया है, बाइनेंस पर बिटकॉइन और यूएसडीटी का चार्ट खोल लिया, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक डेथ क्रॉस फॉर्म हो रहा है जो कि मूविंग एवरेज 200 जो है वो 50 डे की मूविंग एवरेज के से ऊपर जा रही है। और यहाँ पर हम देखेंगे जिस दिन ये हुआ उस दिन बिटकॉइन का प्राइस कुछ 35,000 के आसपास था और वो करेक्ट होकर $28,000 तक आ गया है, यानी कि तकरीबन यहाँ पर 15-20% की करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। और हम एक बार इसे देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ है, क्या ये पहले भी हुआ है। तो अगर आप इसी चार्ट को हम लोग पीछे जाकर देखेंगे तो काफ़ी टाइम से आप देख सकते हैं कि 15 डे जो मूविंग एवरेज थी, ये वन डे चार्ट है, वो ऊपर रही है हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज, बिकॉज हम एक तरह के बुल मार्केट में थे। बट रिसेंट करेक्शंस के कारण यहाँ पर दिखा है, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ पेमेंट ऑप्शन इन टेस्ला, तब भी जो थी वो करेक्ट हुई थी मार्केट। इसका मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि जो ये डेथ क्रॉस है हमारा, ये इंडिकेटर है एक तरह का, और ये इंडिकेटर हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है कि हिस्टोरिकली एसेट में क्या हुआ। तो सिंस अभी कुछ एक इवेंट हुए, चाइना फंड या फिर इलॉन मस्क वाला फंड, जिसके कारण बिटकॉइन करेक्ट हो रहा था और शॉर्ट टर्म मोमेंटम लूज कर गया, इसीलिए लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है वो उसके ऊपर चलेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन आप डेटिंग 20 मई में लास्ट टाइम ये हुआ था, और यहाँ पर आपका जो 15 डे पहले ऊपर चली गई थी एकदम से 200 डे से, उससे पहले 200 डे ऊपर थी, और यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि हमारी एक बुल मार्केट की एक तरह से स्टार्ट हुई थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद 15 डे मूविंग एवरेज जनरली ऊपर रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो हमारी रीसेंट रैली थी $64,000 तक थी वो हमने देखी। और यहाँ पर जब ये हुआ, ये था कुछ $8,000 के आसपास का, इसका $9,000 के आसपास का प्राइस था जिस दिन ये हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको हम लोग गोल्डन क्रॉस बोलेंगे जब 15 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से भेजे। बट इससे जस्ट पहले आप देख सकते हैं कि 2-3 बार क्रॉस ओवर हुआ है, बिकॉज इससे पहले आप ये देखिए कि हमारी जो
200 डे मूविंग एवरेज थी वो ऊपर से आ रही थी, बिकॉज हम लोग एक बियर मार्केट में थे तो हमेशा से 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर थी, और यहाँ पर प्राइजेस करेक्ट होते आ रहे थे हमारे जब 10,000 से हमारा ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद से हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर ही थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार क्या हुआ कि गोल्डन क्रॉस हुआ कि 15 डे मूविंग एवरेज ऊपर जानी शुरू हुई। इससे पहले हमने अपना लोएस्ट देख लिया था $3,300 के आसपास, और ये इसके बाद ऊपर गई $4,700 से इसने क्रॉस किया, और हम लोगों ने एक छोटी सी बुल रन देखी अराउंड $12,000-$14,000 तक की, और फिर करेक्शन आई। इसके बाद से दोबारा डेथ क्रॉस की बहुत ज़्यादा बातें हुई जब ये करेक्शन में गया और हमारी $8,000 के पास हुई, और हमने करेक्शन आई भी, बट ये कितनी बड़ी करेक्शन है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस दिन ये डेथ क्रॉस हुआ तो हम उस दिन थे अराउंड $9,000, और उसके तकरीबन आपने दो तीन महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद हमने अपना लोएस्ट देखा जो कि था $64,000। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 30% 32% के अराउंड का जो है फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और यहाँ से फिर जब एसेट्स दोबारा बढ़ने शुरू हुए तो यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिला, पर गोल्डन क्रॉस के जस्ट बाद डंप हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डेथ क्रॉस के बाद होता है, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस जो कि एक बुलिश साइन होना चाहिए था जब 15 डे मूविंग एवरेज 200 डे से बढ़ आगे चलेगी, पर तब भी उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आया। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, और फिर सिंस ये हो गया अब ये हिस्ट्री को मार्क करती है जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। तो यहाँ पर आपको दोबारा से आपको एक डेथ क्रॉस देखने को मिला जब 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर चली गई थी 50 डे मूविंग एवरेज से, और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस था कुछ अराउंड 600-700-800 डॉलर्स, और वो गिर करके $5,800 तक आया, यानी कि तकरीबन यहाँ पर भी आपका 20% से लेकर के 30% तक का जो ड्रॉप रहा। फिर ये इंक्रीज हुआ तो और हमने बुल रन देखी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमेशा नहीं है कि एक्यूरेटली हमेशा ही हो, और ये डंप हो सकता है कि 30-40% तक का भी हो, बट अगर 30% का ड्रॉप होता है तो ये तकरीबन $25,000 तक ही जाएगा। मुझे नहीं लगता ये पर्सनली ये 50% वाला ड्रॉप है कि ये इसके 17,000 या 20,000 की रेंज में ले जाएगा, 25,000 के आसपास, 24,000 की रेंज के आसपास से रिबाउंड मैक्सिमम आप देख सकते हैं, और प्रोवाइडेड ये 28,000 की रेंज में जाया है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यही फाइनल ब्लो हो डेथ क्रॉस का और यहाँ से मार्केट चढ़नी शुरू हो जाए, या फिर एक और नीचे क्रैश आए, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि $25,000 तक आए, पर इस यहाँ तक इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि हमें क्रैश देखने को मिलेगा इस क्रॉस के कारण। बिकॉज जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट थी, चाइना बैन की न्यूज़ 2017 में भी आई थी जब मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, अभी भी आई है, तो अब इन्वेस्टर्स कंपैरेटिवली स्मार्ट हो गए और बिटकॉइन कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल होता जा रहा है फ्यूचर में, तो हमें ये कम देखने को मिलेगा। और काफ़ी और बुलिश न्यूज़ हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे माइक्रोस्ट्रेटजी ने अभी बाय किया या फिर और भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हैं जो जुड़ी हुई है इसके साथ साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि डेथ क्रॉस नॉट नेसेसरीली ऐसा ही है कि वो एक बियर मार्केट के रन स्टार्ट करने का सिग्नल है, और सिंस ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही आपको करंट वैल्यू बताता है, ये फ्यूचर को किसी भी तरह से प्रिडिक्ट नहीं करता, और हमने देखा है कि पास्ट में इसने 20% से लेकर के 50% की करेक्शंस की हैं। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी अच्छी न्यूज़ हैं जो मार्केट में आ रही हैं, कंट्रीज बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं, बिटकॉइन एज अ पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट हो रहा है, लाइटनिंग नेटवर्क की डेवलपमेंट बहुत फास्ट चल रही है, और क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक बुलिश सेंटिमेंट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी मन में। वही माइकल सेलर ने अभी $500 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट भी की है बिटकॉइन में, जो कि एक अगेन बुलिश मार्क है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्ट ऑफ बियर रन है, इनफैक्ट ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है जो कि हो सकता है ओवर ऑलरेडी हो चुकी हो या फिर होने वाली हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज़ के लिए पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं बिटकॉइन के अभी भी। हो सकता है एक दो महीने दोबारा लग जाएं इसको ट्रैक में आने के लिए, बट घबराने की कोई बात नहीं है, एंड ये कहीं से भी जो है बियर रन की स्टार्टिंग नहीं लग रही है, बल्कि ये मुझे एक बुल रन का एक मिडल पॉइंट लग रहा है, एक बियर ट्रैप लग रहा है, और इसके बाद हमें एक यूफोरिया मोमेंट देखने को भी मिल सकता है मार्केट में। बट अगेन, अपनी पोजीशंस को में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना
ये एक अच्छा तरीका है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि आपको अपने अगर बियर मार्केट ये है भी तो भी आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कोई बिना फंडामेंटल्स वाले कॉइन में पैसे डाले हुए हैं तो उसमें से प्रॉफिट बुक करना अच्छा होगा, चाहे आप डॉलर्स या INR में ना करके उसे आप BTC में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रैली की स्टार्टिंग होगी पहले अकेला BTC रन करेगा, बाद में ऑल्ट कॉइन उसे फॉलो करेंगे, जैसा हमने पहले भी देखा है। साथ ही साथ अगर आप अगर अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करना चाहें तो आप उसे डायरेक्टली INR में बुक ना करके, इंडियन रुपी में बुक ना करके USDT में भी रख सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में और अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिल जाएं। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डर है और आपने बहुत टाइम से होल्ड किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपकी पोजीशन अगर एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑड्स में है तो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पोजीशन को होल्ड करिए 2-3 महीने और मेरे को लगता है मार्केट दोबारा से अपने मीन पर वापस आ जाएगी। बट अगेन, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस सोच समझ के और अपनी रिसर्च के बाद ही लेने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जब भी आपके लिए कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका पूरा फायदा ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।